so i'll be there i'll be there never leaving you in the darkness even when you're out of place i will be the light in your life you're sick claire asalaamu alaikum guys it's up so i'm back again with another video so in today's video i will be reviewing the google pixel 3 so let's start with the google pixel 3 review so If I talk about its display, the main thing, the main highlight of this phone is the display. 5.5 inch, P OLED HDR 1080p display, which is pretty good. I can say 2K resolution तो नहीं है इसमें 1440 लेकिन जो 1080p के साथ जो display के colors हैं वो बहुत amazing हैं इस phone के processor के ऊपर आ जाएँ तो 2018 का flagship है ये और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 है और ये अठारह का फ्लैगशिप प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का एंड टाइप सी है इसमें दो मॉडल्स uh, और भी आते हैं पिक्जल थ्री एंड थ्री XL सो इफ आई टॉक अबाउट इट्स रेजिस्टेंट तो ये आई पी सिक्सटी एट डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है अप टू वन पॉइंट फाइव मीटर एंड इसमें ये थ्री कलर्स ऑफर होते हैं एक ये क्लीरी वाइट है एक नॉट पिंक आता है और एक ब्लैक आता है इसमें और ये बटन के कलर्स हर कलर में डिफरेंट आते हैं इसमें ग्रीन बटन है क्लियर वाइट के साथ अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका सिंगल कैमरे पे मत जाना भाई बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरा है वन ऑफ द बेस्ट कैमराज आउट देयर इन द मार्केट 2018 में बेस्ट कैमरा फ़ोन था और इसके कैमरा रिजल्ट मैं अभी अटैच कर दूंगा रिव्यू के अंदर वो बहुत आउटस्टैंडिंग है इसके नाइट मोड और इसका बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरा है फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फ्रंट पे डबल कैमरा है और बैक पे रियर एक एक सिंगल कैमरा है टाइप सी सपोर्ट है चार्जिंग की एटीन वाट फास्ट चार्जिंग करता है गूगल का और फास्ट चार्जिंग उस पर भी करता है वायरलेसली भी और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं है लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस में ये फ़ोन बहुत वर्थ है अगर किसी ने एंड्रॉयड लेना है तो स्टॉक एंड्रॉयड की जो इसकी फ़ील है वो बहुत अमेजिंग है एंड्रॉय इस पर चल रहा हैलेवन यस एंड्रॉय एलेवन चल रहा है अलेवन yes, की अपडेट आ चुकी हुई है इस फ़ोन के ऊपर जो कि मैं कहूँगा कि अभी तक सैमसंग के किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस पर नहीं आई इवन नॉट इन द नोट ट्वेंटी अल्ट्रा इसकी रैम और स्टोरेज पर अगर मैं आ जाऊँ तो फोर जी बी रैम है और सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल मेमरी है इस फ़ोन की और दो स्टोरेज कैपेसिटीज आती हैं सिक्सटी फोर एंड वन ट्वेंटी एट और रैम इसकी फोर जी बी है हाँ अब एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में ये आएगा कि यार 2020 में चार जी बी रैम वो भी एंड्रॉयड में तो भाई चल चलो जो चार जी बी रैम बहुत है इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड की वजह से इसमें रैम मैटर नहीं करती तो ये आईफोन वाला ही सीन है समझ लें कि रैम डजन मैटर सॉफ्टवेयर बेस है ना स्टॉक एंड्रॉयड है स्टॉक एंड्रॉयड पर इतनी रैम ज़रूरी नहीं होती तो फोर जी बी रैम सपोर्ट है इसके अंदर और सिक्सटी फोर इंटरनल है और वन ट्वेंटी एट की ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका ये वाली एक ऑप्शन है कि इसको आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल दे देता है एक और दफ़ा स्वाइप करोगे तो ये पूरा खोल देगा यूम तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि इसके अंदर है। इवन सैमसंग में भी हो जाता है ये चीज़ सैमसंग एस एट और एस नाइन में और नोट एट और नोट नाइन में उसके बाद तो वो फिंगर प्रिंट डिस्प्ले हो गया था मेरे ख्याल से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से ये वाला फिंगरप्रिंट ज़्यादा बेहतर इसकी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है बहुत हैंडी है फ़ौरन आप अनलॉक कर सकते हो फोन को तो गूगल असिस्टेंट है इसके अंदर ये ऐसे करके गूगल असिस्टेंट कर देता है ये बैटरी की अगर मैं बात कर लूँ तो बैटरी ट्वेंटी हंड्रेड की बैटरी है और वन डे तो दे है तो माइनर और हैवी यूज़ पे आई गेस दो दफ़ा चार्ज करना पड़ जाएगा लेकिन मेरे ख़्याल से जिसका यूजर सिक्स टू तो सेवन आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम जैसे चाहिए वो एक दफ़ा ही चार्ज करेगा दिन में अगर इसकी प्राइस पॉइंट की बात कर लें प्राइस वैल्यू जो इसकी पाकिस्तानी मार्केट में है वो नॉन पी टी ए किट में मिलता है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ का ईजीली और अगर बॉक्स पैक पर जाओ तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और बहुत ही ये वैसे फ़ोन जो गूगल के फ़ोन हैं पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड हैं एक दो चीज़ें और हैं कि इसकी ग्लास प्रोटेक्टर और कवर बहुत मुश्किल से मिलता है आपको मैंने भी दराज से ऑर्डर करवाया अभी तो फ़िलहाल लेकिन ये आपको लाहौर में क्योंकि मैं रहता हूँ तो ना हवी सेंटर से मिलेगा ना हाल रोड से मिलेगा बहुत ही एक आधी कोई दुकान होगी जहाँ से मिलेगा लेकिन मैंने तो बहुत सर्च आउट किया है नहीं मिल रहा है इसका